हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, नया सिलेबस सीए फाइनल का और इवन मतलब सीए का, ये नया सिलेबस कब से एप्लीकेबल है इसके बारे में फिलहाल तो कोई क्लारिफिकेशन नहीं है। बट एक फाइल जो है वो एक पीडीएफ वो लीक हो गया है और उस पीडीएफ में ये दावा किया जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द प्रपोज्ड सिलेबस। जो कि सिलेबस आने वाला है वो वही सिलेबस है। आईसीए की तरफ से फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और वो जो फाइल है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ आई गॉट द पीडीएफ फ्रॉम वन ऑफ द मतलब स्टूडेंट्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सर जो नया सिलेबस है उसमें डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस कम हो गया, डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस कम हो गया। क्या ये रियलिटी है? इसकी बात हम आपके साथ करेंगे और हम देखेंगे कि प्रपोज सिलेबस को अगर ये मान लिया जाए कि दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस, तो उसमें आपका डायरेक्ट टैक्स का क्या सिलेबस है आपके पेपर नंबर 4 का। पहले तो आपका पेपर नंबर 7 होता था, अब हमें भी थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी द पेपर नंबर 4, क्योंकि आपको पता है लॉ और कॉस्टिंग आपके वो हट गए हैं, आपके मतलब मेन एग्जाम से हट गए हैं। तो फिर हम बात करते हैं, हमारा पेपर 4 डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल मतलब टैक्सेशन 100 मार्क्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो डियर, दिस इज द 2023 प्रपोज सिलेबस। सो दिस इज द 2023 प्रपोज सिलेबस। मैंने ना कंपैरिजन के लिए ना 2017 का जो सिलेबस था वो भी आपके साथ ओपन किया हुआ है। सो दिस इज द 2017 सिलेबस। अगर आप देखें, सो दिस इज द 2017 सिलेबस जो कि आपका अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस है। मैंने ना कंपैरिजन के लिए ये रखा हुआ है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्या सही में हमारे सिलेबस में से कुछ हट गया या ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं। सो दिस इज द 2017 सिलेबस। अच्छा, तो अगर मैं 2017 का सिलेबस देखूं तो इसमें लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स मतलब डायरेक्ट टैक्स लॉस 70 मार्क्स और आईटी 30 मार्क्स। बट यहां पे फिलहाल ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। शायद कुछ है क्या? नहीं, यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपका मतलब डायरेक्ट टैक्स कितने का होगा और आपका आईटी कितने का होगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी दी मतलब 70 मतलब 30। फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। सो दिस इज द 2030 दिस इज द 2023 प्रपोज सिलेबस। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर आप ध्यान दें तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव ए और ऑब्जेक्टिव बी। बट अगर आप 2017 का सिलेबस देखें तो उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था। बट 2023 वाले सिलेबस में डियर दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव्स को गहराई से पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट अपना डीटी का सिलेबस कहाँ लेके जा रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट ए पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ है टू अक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड रिकमेंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर। इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर, सो व्हाट आई मीन बाय द टर्म टैक्स एफिशिएंट मैनर, जैसे सर कुछ एग्जांपल, जैसे डे अगर हम बात करें कंपनी एसएससी के लिए, तो कंपनी एसएससी के लिए जो है वो मींस मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम ज्यादा सही रहेगा या कंपनी को एटीआर में जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि इस तरीके का आपका एनालिसिस है। बट सर ये तो अभी भी आता है। बिल्कुल सही बात है। बट फ्यूचर में मीन्स आने वाले मतलब समय में इंस्टीट्यूट का इस पे फोकस ज्यादा रहेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसे ऑब्जेक्टिव में डाल दिया। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने 2017 के सिलेबस का एक बार ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था। ध्यान दीजिएगा, टू अक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड रिकमेंड सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड रिकमेंड सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थोड़ी यार, 2017 के सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव था वो कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था। अगर हम इसको 2023 के सिलेबस से कंपेयर करें, इंस्टीट्यूट ने आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आपके पास डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए और आप जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में उसका एनालिसिस कर सकें। तो ये जो वर्ड्स हैं ये 2023 के सिलेबस में एडिशनल हैं, इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर, इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के सिलेबस में टैक्स प्लानिंग पे आईसीआई का फोकस ज्यादा रहेगा। जैसा कि इंस्टीट्यूट ने पहले भी कहा था कि टैक्स प्लानिंग और एथिक्स, इन दो एरियाज में इंस्टीट्यूट का फोकस 2023 के सिलेबस में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ए है डियर, दिस इज मोर और लेस सेम जो कि हमारा 2017 के सिलेबस में भी था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर ऑब्जेक्टिव नंबर बी जो कि 2017 के सिलेबस में नहीं था, जो कि 2017 के सिलेबस में नहीं था। ये ऑब्जेक्टिव भी आपके 2023 के सिलेबस में है जो कि हमारे पास जो फाइल आई है उसके हिसाब से तो है। फ्यूचर में डियर फाइनली जब सिलेबस आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्या यही रहेगा या ये चेंज हो जाएगा, फिलहाल हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट अगर हम ऑब्जेक्टिव नंबर बी पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस, टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस। मतलब आपके पास जो डायरेक्ट टैक्स लॉस के प्रोविजन की नॉलेज है उसका एप्लीकेशन करना है, उसका एप्लीकेशन करना है। मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द प्योरली द एप्लीकेशन पार्ट। ओके,
लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन टू रिकमेंड सॉल्यूशंस टू इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बी डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्ट बी में इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपको डियर किसी भी गिवन सिचुएशन में, लेट्स से दिस इज द गिवन सिचुएशन, और आपको पता है कि सेक्शन 92 के हिसाब से एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि एसएससी ऑप्ट कर सकता है टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और द प्रोविजंस ऑफ DTAA व्हिच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू इट. अभी अगर हम 2017 का सिलेबस देखें तो डियर फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनल वाला जो मतलब पोर्शन है उसको कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं करता था. बट अगर मैं ऑब्जेक्टिव को पढ़ूं तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो यही समझ में आता है कि अब जो है वो फुल फ्लेज मतलब क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको जो है वो डियर फ्रेंड्स मीन्स इनकम टैक्स एक्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें आपको DTAA भी अप्लाई करना पड़ेगा. और इन दोनों के बेसिस पे जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा एसएससी उसको ऑप्ट कर सकता है. सो ऑब्जेक्टिव बी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट एस्पेक्ट कि फ्यूचर में 2023 का जो सिलेबस है इसमें आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एनालिसिस आपको मतलब करना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स एक्ट का साथ में DTAA के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस का. फिलहाल हमारे 2017 के सिलेबस में पेपर 7 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बहुत ज्यादा, और अगर आते भी हैं तो मैं कह सकता हूं कि 4 या 5 नंबर के आते हैं. बट सर आप एक बात भूल गए क्या, 2017 में तो पेपर 6 ही भी तो था, आईटी वाला स्पेसिफिक पोर्शन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. अगर मैं आपको थोड़ा सा पेपर 6 ही का अभी का ऑब्जेक्टिव दिखाऊं तो देखेंगे मेरे साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. दिस इज द पेपर 6C. और हाँ 6C के मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, 6C जो था डियर ये कंपलसरी नहीं था, ये ऑप्शनल था. आप चाहे तो ऑप्ट करें आप चाहे तो ऑप्ट ना करें. बट अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ूं तो देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस रेलेवेंट टू द इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच नॉलेज टू मेक कंप्यूटेशंस एंड एड्रेस इश्यूज इन प्रैक्टिकल केस सिनेरियोस. तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ूं तो ये जो ऑब्जेक्टिव है और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मोर और लेस मतलब सिमिलर है, बट इसमें एक बहुत खास अंतर है. अगर मैं ऑब्जेक्टिव बी को देखूं तो ऑब्जेक्टिव बी में एक बहुत खास बात है. ऑब्जेक्टिव बी ने आपको कहा है कि हम आपसे कंपैरिजन पूछेंगे, हम आपसे किसी भी गिवन सिचुएशन में कंपैरिजन में हम आपसे मतलब पूछेंगे कि यहाँ पे एसएससी के लिए इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस ज्यादा अच्छे हैं या फिर एसएससी को DTAA के प्रोविजंस को अप्लाई करना मतलब चाहिए. इसका मतलब ये वर्ड कि अगर हम ऑब्जेक्टिव बी का एनालिसिस करें तो आपका जो सिलेबस 2023 है इसमें इंस्टीट्यूट जो है वो DTAA और उसके जो आर्टिकल्स हैं उस पे अपना फोकस ज्यादा बढ़ाने वाला है. एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो. अगर आप डियर किसी भी CFO में जाके अगर इफ यू वर्क तो आपको डियर अच्छे से मतलब यू नो इट कि साहब वहां पे आपको DTAA के आर्टिकल्स को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है. तो आज के समय सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं होता, आपको साथ में DTAA की भी नॉलेज होनी चाहिए. और ऑब्जेक्टिव बी से हमें यही समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है वो 2023 के सिलेबस में DTAA में आपकी अच्छी खासी नॉलेज आपको देने वाला है. ठीक है, अच्छा, सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेपर 6. और हाँ ये आपको पता है दैट वॉज द ऑप्शनल पेपर, ये कोई मैंडेटरी पेपर नहीं था. अगर हम मैंडेटरी पेपर की बात करें तो आपका मैंडेटरी पेपर सिर्फ और सिर्फ था पेपर नंबर 7 और उसका ऑब्जेक्टिव डियर बहुत ही हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव था. ये तो ऐसा लगता है अब अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ूं तो इसको पढ़ के तो ये लगता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव था ये तो साहब ये तो IPCC लेवल का ऑब्जेक्टिव है. इवन IPCC भी नहीं कहना चाहिए, दिस इज द गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मतलब फाउंडेशन लेवल अगर मैं इसको 2023 के सिलेबस के ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करूं. ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव बहुत हो गया, आगे तो पढ़ो. हमने तो सुना है कि सिलेबस कम हो गया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर, सिलेबस कम नहीं हुआ, सिलेबस बढ़ गया. कैसे, मेरे साथ साथ देखें कंटेंट की बात करते हैं. अच्छा, सबसे पहले कंप्रिहेंसिव कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड अदर एंटिटीज तो सर यहां पे क्या हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस कंपनी एसएससी होना है. डियर फ्रेंड्स अगर आप 2017 का सिलेबस भी देखें तो 2017 के सिलेबस में भी आपका मेन जो कोर एरिया जो फोकस था वो आपका कौन था, मतलब कंपनी एसएससी. बट हाँ वहां पे इंडिविजुअल एसएससीज के भी क्वेश्चन आ जाते थे करीबन 10 से लेके 15 नंबर के. ऐसा नहीं कि 2023 के सिलेबस में आपका इंडिविजुअल एसएससी नहीं आएगा, बट इंस्टीट्यूट की जो का जो मतलब मैकेनिज्म जो मुझे कुछ समझ में आ रहा है वो ये है डियर कि यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस होने वाला है दैट इज गोइंग टू टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट एसएससी. ठीक है, एनीहाउ अंडर द ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटी. हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं दीज वर्ड्स आर नॉट वेरी वेल
मतलब ड्राफ्टेड, अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब रीड करूं तो यहाँ पे सिर्फ यही मतलब समझ में आता है कि अंडर द ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम। तो सर क्या हमें सिर्फ और सिर्फ ATR पढ़ना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अपना, आपको डियर फ्रेंड्स अपना मीन्स रेगुलर टैक्स रिजिम भी पढ़ना है और आपको ATR को भी पढ़ना है। तो सर ये कहाँ लिखा हुआ है? तो मेरे हिसाब से देखेंगे आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। जनरल प्रोविजन अंडर द एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज एंड अदर्स। मतलब यू आर डियर की आपसे इंश्योर एक्सपेक्ट करता है कि आपको जो है वो एग्जाम में जो आपके मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट की कंप्यूटेशन के। तो सर अगर इनकम टैक्स एक्ट की कंप्यूटेशन के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सारे के सारे पांच हेड आने, आपको सारे के सारे फाइव हेड्स का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पांच हेड में हमारी स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होगी, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इसका मतलब सेक्शन 6 में आ गया और साथ में आपका मतलब पोएम 20 में आ गया। साथ में डियर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे पता चलता है कि हमारी कौन कौन सी इनकम भारत में डीम्ड टू अकर अराइज हो सकती है। तो डियर पूरा का पूरा सेक्शन जो आपका 9 है ये भी यहाँ पे आ गया, मीन सब कुछ यहाँ पे आ गया। क्योंकि अगर आपको टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करनी है तो टोटल इनकम की कंप्यूटेशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्या कि आपको क्या पता हो टैक्स रेट मतलब बेसिस ऑफ चार्ज, फिर आपको क्या पता हो रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर आपको क्या पता हो एग्जेम्प्ट इनकम, फिर आपको क्या पता हो सर हमें पता होना चाहिए क्लबिंग का, हमें पता होना चाहिए मतलब सेट ऑफ का मींस हेड्स ऑफ इनकम, इनकम ऑफ अदर पर्संस मतलब क्लबिंग अग्रीगेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ मींस लॉसेस। और हमें क्या पता होना चाहिए सर, हमें पता होना चाहिए चैप्टर 6A के ATC से लेके ATU वाले, हमें पता होना चाहिए रिबेट्स एंड रिलीफ्स, मतलब ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीजें नहीं पता होंगी डियर फ्रेंड्स तो मैं कैसे टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन कर सकता हूं? 2017 के सिलेबस में इंश्यूट ने इन चीजों का नाम आपको मेंशन करके दिया था, 2023 के सिलेबस में इंश्यूट ने इनका नाम नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि जनरल प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। तो मुझे बताया ना मैं साहब टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट कर सकता हूं अगर मुझे ये सारी की सारी चीजें नहीं आती। तो अगर मुझे टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन करना है तो मुझे ये सब कुछ आना चाहिए, मुझे आई शुड हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा कुछ आपके 2023 के सिलेबस में भी है। हाँ, 2017 का सिलेबस था, इसमें इंश्यूट ने इनके नाम दिए हुए हैं, 2023 के सिलेबस में इंश्यूट ने इसका नाम नहीं दिया हुआ, अदरवाइज आपको ये कह दिया कि साहब हम आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। एनीहाउ आगे आते हैं। अच्छा देखेंगे स्पेशल टैक्स रिजीम अंडर द एक्ट फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। आपको पता है डियर आपके एक्ट में स्पेशल टैक्स मतलब रिजीम्स आए हुए हैं। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 115BAA, 115BAB, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं 115BAC, अगर मैं कॉपरेटिव सोसाइटीज की बात करूं तो 115BAD। तो साहब आपको ये भी पता होना चाहिए। और सिर्फ ये आपका स्पेशल टैक्स रिजीम नहीं है, इसके अलावा भी है तो आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई मतलब कर दिया कि आपको स्पेशल टैक्स रिजीम की भी नॉलेज होनी चाहिए कंपनीज के लिए और बाकी एसोसिएट्स के लिए भी। तीसरा, अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज एंड अदर एंटिटीज थ्रू टैक्स प्लानिंग। तो अगर मैं देखूं साहब तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग का लैंग्वेज का वर्ड इन्होंने यहाँ पे फिर से यूज कर दिया और यहाँ पे इन्होंने अगर मैं ऑब्जेक्टिव को पढ़ू तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना टैक्स एफिशिएंट मैनर। सो आई एम मतलब वंडरिंग कि साहब सिलेबस आपका कंटेंट आपका क्या होने वाला है, क्योंकि इंश्यूट का बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है टैक्स प्लानिंग पे। और डियर फ्रेंड्स टैक्स प्लानिंग पे फोकस होना भी चाहिए क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डियर आपके पास टैक्स प्लानिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोसीजर वक्त तो डियर कोई भी कर सकता है बट सीए का रियल काम का मतलब काम क्या होता है टैक्स प्लानिंग। तो इंश्यूट का जो फोकस है सिलेबस 2023 में वो टैक्स प्लानिंग पे ज्यादा है, डेट इज अ गुड थिंग। उसके बाद सिलेबस मतलब कंटेंट क्या आएगा इसके बाद हमें मतलब पता चलेगा कि साहब इन्होंने सिलेबस को किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा तो अगर मैं देखूं तो साहब 2017 के सिलेबस में ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनीज एंड सर्टेन अदर पर्संस अदर देन कंपनीज ये भी कवर हो गया। हाँ, एक और छोटी सी बात, 2017 का जब सिलेबस ड्राफ्ट हुआ था उस समय ATR जैसा सच कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको स्पेशल टैक्स रिजीम जैसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि साहब उस समय ATR जैसा कुछ नहीं था, 2018 से ATR आना शुरू हुआ। अच्छा आगे आते हैं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर फंड्स एंड ट्रस्ट, मतलब ये सब कुछ आ गया यहाँ पे। अच्छा, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस अंडर द एक्ट। एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस का मतलब हो गया साहब, एक तो होता है आपका SAR स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन जिसका नाम है GAR, तो ये दोनों भी कवर हो गए। एंड प्रोविजन टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस ऑन डिजिटलाइजेशन, सो दिस इज अ न्यू थिंग। ये पहले ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं था, 2017 के सिलेबस में भी है, बट साहब इसको ना
इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने अलग से क्लासिफाई नहीं किया था, इस तरीके से अलग से क्लासिफाई नहीं किया था। मतलब डिजिटाइजेशन को अगर आप देखें डियर फ्रेंड्स, तो डिजिटाइजेशन को काउंटर को कंसिडर करते हुए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दो मेजर चीजें आई हैं। एक तो आया है डियर, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो वहां पर आया है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट आया है, और साथ में अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट से हटके थोड़ा सा बात करूं तो इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट आया है। बट इन दोनों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एस्पेक्ट आया है डियर, वो आपको पता है इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट जो था वो कैसा था, टेम्परेरी, कि साहब जब तक जो है वो DTAAs अमेंड नहीं हो जाते तब तक हम इक्वलाइजेशन लेवी को साथ में लेके चलेंगे। DTAAs कब तक अमेंड नहीं हो सकते, जब तक कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं बन जाता, उस ग्लोबल फ्रेमवर्क के डायरेक्शन में काम हो चुका है। आपको पता है आर्टिकल 1 ऑफ OECD एक्शन प्लान एड्रेसिंग द टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, उसका पिलर 2 के रूल्स आ चुके हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इंस्टीट्यूट जो है वो पिलर 2 को क्या आपको पूरा का पूरा पढ़ने को देगा या फिर वो थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ा देगा, क्योंकि अगर मैं आपको पिलर 2 के रूल्स दिखाऊं OECD एक्शन प्लान के, आप मेरे साथ साथ देखेंगे OECD G20 टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी ग्लोबल एंटी बेस एरोजन मॉडल रूल्स पिलर 2। तो आपको पता है डियर जो ये जो रूल्स हैं ये इवन, हाँ एक और छोटी सी बात, ये जो रूल्स हैं ये फिलहाल डियर 6C में भी नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि इंस्टीट्यूट जो है वो ये मतलब 70 पन्नों का ये रूल दे देगा और साथ में इन रूल्स का जो एक्सप्लेनेशन है करीबन करीबन मतलब 250 पन्नों का वो आपके सिलेबस में डाल देगा। इट इज़ नॉट लाइकली, बट अगेन सिलेबस आने के बाद पता चलेगा डियर कि इसमें एग्जैक्टली क्या आता है। बट दिस इज़ अ न्यू थिंग, मतलब ये थोड़ा सा अलग से इन्होंने किया हुआ है। अदरवाइज अभी भी 2017 के सिलेबस में भी ये चीज़ें आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ अलग अलग जगह पर है। बट 2023 का सिलेबस देखिए समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट इन सारी की सारी चीज़ों को ना एक जगह पर रख देगा, सो डैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं इसको 2017 के सिलेबस से कंपेयर करूं तो साहब यहां पे अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो ये भी हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट, अच्छा टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। आपको पता है 2017 के सिलेबस में टैक्स प्लानिंग की इंस्टीट्यूट ने बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई हुई थी, एक सिंगल क्वेश्चन भी टैक्स प्लानिंग का मीन्स रियल टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन नहीं आता था। मैक्सिमम ये कह दिया करते थे कि बताओ साहब हम ना आपको 4 केस दे देते हैं, ये फिर हमें आप बस ये बता दो कि दिस इज अ टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। और वो केस क्या होते थे कि मैंने सेक्शन 80C के PPF में पैसा जमा कर दिया, बताओ इसको आप क्या नाम दोगे, टैक्स प्लानिंग दोगे, टैक्स अवॉइडेंस दोगे या टैक्स इवेजन दोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे 2017 में, बट साहब 2023 का जो सिलेबस है उसका पूरा का पूरा थीम जो है यही हमें समझ में आता है कि टुवर्ड्स द टैक्स प्लानिंग। सो ये तो आपको जो है वो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द सिलेबस 2023। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अ वेरी डिटेल्ड लेवल, और ये सिलेबस कंटेंट आने के बाद हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने टैक्स प्लानिंग को कैसे इंटीग्रेट किया है। अदरवाइज 2017 के सिलेबस में डियर इंस्टीट्यूट ने टैक्स प्लानिंग के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया था, 2023 में एक्सपेक्टेड है कि शायद ऐसा। अच्छा आगे आते हैं, अच्छा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपलेंट मैकेनिज्म, तो इन्होंने ना मॉड्यूल 2 इसमें अलग से मतलब बना दिया और इसका नाम रख दिया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपलेंट मैकेनिज्म, जो कि आपके 2017 के सिलेबस में ऐसा कुछ नाम नहीं था, बाकी 2023 के सिलेबस में इन्होंने इसका नाम दे दिया। अगर आप यहां देखेंगे डिडक्शन कलेक्शन रिकवरी ऑफ टैक्स, मतलब TDS TCS और इवन एडवांस टैक्स भी कवर हो गया। अच्छा तो यहां पे क्या क्या कवर हो गया, यहां पे कवर हो गया TDS TCS एडवांस टैक्स इवन रिफंड और इवन कलेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म, जहां पे SSC जिसने TDS वगैरह टाइम से जमा नहीं कराया उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को भी जो है वो ऑक्शन किया जा सकता था, नीलाम किया जा सकता था। अच्छा आगे आते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज, तो ये पहले भी था ये भी है, असेसमेंट प्रोसीजर भी था, अपील एंड रिविजन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी की बात कर रहे हैं। 2017 में डिफरेंस ये नहीं था, उसकी जगह क्या था, उसकी जगह था मतलब सेटकॉम था। ठीक है, अगर मैं 2017 के सिलेबस से कंपेयर करूं तो कलेक्शन रिकवरी यहां भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज यहां भी है, अच्छा मतलब सेटलमेंट ऑफ केसेस है, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, तो मैं थोड़ा सा और यहां पे पढ़ लेता हूं, देखेंगे प्रोविजन प्रोविजंस टू काउंटर एक्ट, अच्छा दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, provisions to counteract unethical tax practices, this is very important, provisions to counteract unethical tax practices। अब डियर देखिए मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस को काउंटर करने के बहुत सारे प्रोविजन हैं आपके सिलेबस में। अब इंस्टीट्यूट उसमें से कितना सिलेबस करता है ये कहना मुश्किल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो गार और सार ये तो है ही है, साथ में जैसे आपको पता है डियर कि एक ना आर्टिकल 5 होता है मॉडल टैक्स
मतलब कन्वेंशन का, जिसका नाम होता है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है किसी एसएससी की भारत में, तो आप उस परमानेंट स्टैब्लिशमेंट से अट्रीब्यूट होने वाला बिजनेस प्रॉफिट उसका भारत में टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। बट डियर, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे अगर आप, अगर कोई दूसरी एंटिटी भारत में बिजनेस कर भी रही है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे उन एक्टिविटीज की वजह से परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कंस्टिट्यूट नहीं होता। जैसे सर फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरी, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी का, बहुत ध्यान से, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी का भारत में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक वगैरह मेंटेन करते हैं, तो आपका पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता एज पर आर्टिकल 5 ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ठीक है, एज पर आर्टिकल 5 ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ठीक है। तो ऐसे उसमें डियर 6-7 ऐसे मतलब केसेस दिए गए हैं जो करने पे, जो इंडिविजुअली करने पे, जो इंडिविजुअली करने पे आपका पीई किसी सोर्स नेशन में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता इंडिविजुअली करने पे। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने एक कंबाइंड एक्टिविटी को फ्रेगमेंट करके अलग अलग एक्टिविटीज की तरह से दिखाना शुरू कर दिया, और एंटिटीज ने यह कहना शुरू कर दिया कि साहब दीज आर दी मीन्स मतलब सेपरेट मीन्स एक्टिविटीज, और जिसकी वजह से ये पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, इसकी वजह से पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। मीन्स इन्होंने अपनी एक कंबाइंड एक्टिविटी का फ्रेगमेंटेशन करना शुरू कर दिया, और उस फ्रेगमेंटेशन को करके ये किसी और देश में बिजनेस करते, बट ये वहां पे ये क्लेम करते कि सर जी ये जो एक्टिविटीज हमारी हो रही है ये आर्टिकल 5 में जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, मीन्स जो पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे उन एक्सेप्शंस में कवर्ड हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कंबाइंड एक्टिविटी को मैंने फ्रेगमेंट किया, और मैंने लेट से कंबाइंड एक्टिविटी थी मेरी, मैंने इसको फ्रेगमेंट करके 1, 2, 3, 4 कर दिया, और मैंने 4 अलग अलग एंटिटीज के थ्रू इंडिया में इन 4 एक्टिविटीज को करना शुरू कर दिया। मतलब ये हुआ कि मैंने कंबाइंड एक्टिविटी का फ्रेगमेंटेशन कर दिया, और इस तरीके से मैंने उसका मतलब फ्रेगमेंटेशन किया ये कि ये सारी की सारी फ्रेगमेंटेड एक्टिविटीज जो हैं वो मेरी आर्टिकल 5 के एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाती है, और आर्टिकल 5 के एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाने की वजह से मैं एक कंबाइंड एक्टिविटी कर रहा हूं, फ्रेगमेंटेड वे में कर रहा हूं, बट ये आर्टिकल 5 के एक्सेप्शन में कवर्ड होगी, जिसकी वजह से भारत में मेरा पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। आर यू गाइस गेटिंग? और मुझे भारत में अपने बिजनेस प्रॉफिट का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। सो दिस इज अगेन व्हाट, अनएथिकल प्रैक्टिस। आर यू गाइस गेटिंग? सो दिस इज अनएथिकल प्रैक्टिस, एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो बाद में ओईसीडी ने आर्टिकल 5 को अमेंड किया, आर्टिकल 5 को अमेंड किया ओईसीडी ने, और किसने, मींस यूएन ने, ठीक है। और उन्होंने वहां पे एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल्स ऐड किए, उन्होंने वहां पे एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल ऐड किए, जहां तक मुझे याद आता है, टिल माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, आर्टिकल 5 का जो पैराग्राफ 4 है, आर्टिकल 5 का जो पैराग्राफ 4 है, अगर मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, बट जहां तक मुझे याद आता है, वो आपको बताता है साहब कि अगर आप कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 5 पैराग्राफ 4 प्रोवाइड्स यू अबाउट द एक्सेप्शंस, जो कि आपका पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। बट इन्होंने फिर बाद में पैरा 4.1 ऐड किया, जिसमें एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल दिया, जिसमें ये कहा कि अगर आप एक कंबाइंड एक्टिविटी का फ्रेगमेंटेड पार्ट करके अगर आप कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो आपस में मिलकर आपका पी कॉन्स्टिट्यूट कर जाएगा। Are you guys getting? So, ये ऐसा मतलब प्रैक्टिस था जो इसलिए ऐड किया गया था ताकि हम अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस को काउंटर एक्ट कर सकें, ठीक है। तो क्या इंस्टीट्यूट इन चीजों को भी आपके सिलेबस में ऐड करेगा? अभी डियर ये तो हमें सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा, हम फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सर अभी ये सारी की सारी जो आपने हमें कहानी सुना दी, ये क्या पहले आपके सिलेबस में था? हाँ डियर, आपके सिलेबस में था, आपके सिलेबस में था, 6C में था, मींस ऑप्शनल वाले में था, पेपर 7 में नहीं था, ऑप्शनल वाले में था। जिन बच्चों ने 6C को ऑप्ट किया था उनको पता है कि ये आपके सिलेबस में था। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए काउंटर एक्ट करना अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस को, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स। अब अगेन, अब इंस्टीट्यूट इसमें क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में एग्जैक्टली इंक्लूड करेगा, ये तो साहब हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो आपके जो आवर्स हैं, मतलब DD के ये 3 घंटे का ही पेपर होना है और 100 मार्क्स का होना है। तो मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूं साहब कि DT का सिलेबस इतना बड़ा है कि ये एक पेपर के लिए तो जस्टिफाई नहीं करता, इसको कम से कम 2 पेपर आपको इसमें मतलब ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि साहब मतलब मैंडेटरी 2 पेपर इसके होने चाहिए अगर आप पूरा का पूरा DT कवर करना चाहते हैं। तो एनी हाउ, अब ये हमें बाद में पता चलेगा जब सिलेबस आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या चीज यहाँ पे कवर की। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को पढ़ूं, तो प्रोविजंस टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस में इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है, टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो साहब अगर अनडिस्क्लोज इनकम के टैक्सेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है वो सेक्शन 68, 68, 9, मतलब 68
मतलब 69 EBCD मतलब हुंडी वगैरह के थ्रू जो काम होता है, तो एक एक तो वो हो गया। दूसरा उन्होंने कह दिया टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरन इनकम एंड एसेट्स। अनडिस्क्लोज फॉरन इनकम एंड एसेट्स का मतलब ब्लैक मनी एक्ट। तो साहब ब्लैक मनी एक्ट अभी आपके पेपर 6E में है, तो इन्होंने इसको पेपर 7 में भी लेकर मतलब मीन्स पेपर 4 में भी अभी आ रहा है। मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द मैंडेटरी रीडिंग फॉर ऑल फॉर यू गाइज, ठीक है। और तीसरा पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस इन प्रोसिक्यूशन। तो मेरी बात पे फिर से ध्यान दीजिएगा, आपका ज्यादा समय नहीं लगाते हुए चीजों को मतलब कंक्लूड करते हुए, प्रोविजंस टू काउंटर एक्ट द अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अभी हमें सिलेबस के कंटेंट के आने के बाद पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने इसमें क्या क्या चीजें शामिल की, ठीक है। अगर मैं इसको पेपर 7 के सिलेबस से कंपेयर करूं तो मेरे साथ आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज, अच्छा मतलब सेटलमेंट ऑफ टैक्स केसेस आ गया, पेनल्टीज ऑफेंसेस इन प्रोसिक्यूशन आ गया, लाइबिलिटीज इन स्पेशल केसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजन, ये दोनों भी यहां पे कवर हो गया क्योंकि यहां पे इन्होंने कह दिया साहब मिसलेनियस प्रोविजंस। अच्छा नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है साहब वो टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट शायद आपके पहले टैक्स ऑडिट के मतलब सिलेबस में होता था, बट यार टैक्स ऑडिट को ऑडिट के सिलेबस में रखने का कोई सेंस बनता नहीं था, कोई सेंस नहीं बनता था। बट इंस्टीट्यूट अगेन इसको जो है वो ऑडिट के सिलेबस में कंटिन्यू कर रहा था एनी हाउ। बट अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में टैक्स ऑडिट के फॉर्म में बहुत सारे कुछ नई नई चीजें ऐड हो गई, सो इंस्टीट्यूट को लगा होगा कि इट इज बेटर टू कीप टैक्स ऑडिट विद योर इनकम टैक्स सिलेबस, ठीक है। तो आपके लिए टैक्स ऑडिट भी एक नया ऐड हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिलहाल हमें दो नई चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैं मतलब कंटेंट वाइज अगर मैं मतलब देखूं तो एक है साहब ब्लैक मनी एक्ट आ गया और दूसरा आपका टैक्स ऑडिट आ गया, तो ये दोनों मिला के 10 नंबर तो आप समझ लें कि 10 नंबर का तो हो गई होगा। अच्छा तीसरा आइडिया इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में आऊं तो यहां पे है टैक्सेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग पहले भी था, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पहले भी था, डबल टैक्सेशन रिलीफ पहले भी था, एडवांस रूलिंग पहले भी था। एडवांस रूलिंग का नाम बोर्ड ऑफ एडवांस, मतलब नाम तो सेम ही एडवांस रूलिंग। अच्छा अगर मैं पेपर 7 से इसका कंपैरिजन करूं तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, एक चीज रह गई, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रह गया। तो अगर मैं यहाँ के इसको ऑब्जेक्टिव को पढ़ूं, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच नॉलेज टू मेक कंप्यूटेशंस एंड एड्रेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज। चलें, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव था, बट इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट ऑब्जेक्टिव इज मोर मतलब फोकस्ड ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं जो 2023 के सिलेबस में था, ठीक है। अच्छा तो आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन रेसिडेंट ये भी शामिल हो गया, डबल टैक्सेशन रिलीफ भी आ गया, ट्रांसफर प्राइसिंग भी आ गया और एडवांस रूलिंग भी आ गया। अच्छा इसके अलावा इसके बाद इसमें क्या है आगे है, तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन नेमली सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स ऑफ OECD एंड UN मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन। सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स, तो यहाँ पे साहब एक चेंज है, तो सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स जो मैं भी इंस्टीट्यूट से उम्मीद करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स ऑफ OECD एंड UN मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें तो 2017 का सिलेबस था ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन OECD एंड UN। अगर मैं 2017 के सिलेबस की बात करूँ, जिन बच्चों ने 6E ऑप्ट किया हुआ था उनको तो साहब ये चीजें बहुत ज्यादा कुछ मतलब पढ़नी थी, बट जिन बच्चों ने 6E ऑप्ट नहीं किया हुआ था, जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ पेपर 7 देना था, उन बच्चों के सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने OECD एंड UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन के आर्टिकल्स को तो शामिल किया था, बट वो शामिल करना बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी मतलब पार्टी में जाएं और उस पार्टी में हो सकता है कि 100+ मतलब आइटम्स हो, बट वो सारे के सारे आइटम्स आपको सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए दिए जाए, आप उसमें से कुछ खा नहीं सकते। तो सब इसका फायदा क्या हुआ, व्हाट्स द यूज ऑफ दैट पार्टी और व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग 100+ आइटम्स इन दैट पार्टी विच यू कैन नॉट ईट। तो सर ये वो कुछ ऐसा ही था। अगर मैं अभी अपने मतलब करंट अगर मैं मतलब सिलेबस की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने OECD एंड UN के सारे आर्टिकल्स को कवर तो किया है, बट उसका कोई यूज नहीं है साहब, इसका कोई यूज नहीं है। और ये इससे अच्छा था कि ये बेसिकली मतलब नहीं होता तो अच्छा होता। इससे अच्छा क्या था, इससे अच्छा ये था कि सर जी आप ना OECD और UN के सारे आर्टिकल्स को आप कवर ना करो, 5-6 बड़े बड़े आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस कर दो, और जिसका जो है वो आप जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी करा सकते हो इनकम टैक्स के प्रोविजन के साथ। अगर मैं लैंग्वेज को पढ़ूं तो लैंग्वेज तो यही कहता है सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स ऑफ OECD एंड UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन, कि हम आपको OECD एंड UN के सारे आर्टिकल्स की हम आपकी पास के साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ उसके में जो मतलब सिग्निफिकेंट जो आर्टिकल्स हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। सर सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स का कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, डियर आर्टिकल 5 परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट। ये दो आर्टिकल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि अगर इन दो आर्टिकल्स के बच्चे के पास अच्छे से नॉलेज नहीं है तो उसका फायदा क्या। इवन आर्टिकल वन नहीं, इन द सेंस आर्टिकल वन क्या है आपका बेसिकली मतलब
मतलब एप्लीकेबिलिटी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो ये दो आर्टिकल्स और साथ में अगर आप आर्टिकल 4 देख लो रेसिडेंस, तो साहब रेसिडेंस में भी हम अभी कह सकते हैं कि कुछ बहुत सारी चीज हमारे सिलेबस में नहीं थी, बट ये 5-6 आर्टिकल्स अगर इंस्टीट्यूट ने अगर अच्छे से अगर मतलब दे दिए, सो इट इज बेटर कि आप सारे के सारे आर्टिकल्स को दे दो और उसका एक ओवरव्यू दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप कुछ सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स को है वो डिटेल में कवर कर लो और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस आपके मतलब एग्जाम में आ सकता है विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ DTAA। सो दिस इज एज पर माई ओपिनियन इज अ बेटर स्ट्रेटेजी ताकि जो है वो स्टूडेंट को DTAA के आर्टिकल्स की भी अच्छी खासी जानकारी हो। अच्छा, आगे आते हैं फंडामेंटल ऑफ बेस रीजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये पहले भी था ये भी है। अच्छा, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, ये पहले भी था ये भी है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं 2017 के सिलेबस को देखूं तो एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी था और ये भी है। अच्छा, एक नई चीज यहाँ पे ऐड हो गई, इसका नाम है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? जैसे डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर प्राइसिंग के फील्ड में नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ इंटेंजिबल्स क्या होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इसमें बहुत नई नई चीजें आ रही। अच्छा, यहां पे अगर मैं एक चीज अगर मैं देखूं तो एक चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ी, वो है इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में नहीं दिखाई पड़ा। इक्वलाइजेशन लेवी दो जगह पे हो सकती है, पहला ये हो सकती है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल मतलब टैक्सेशन, या तो यहाँ पे हो सकती है बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट ये मेरे हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए। प्रोविजंस टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस ऑन डिजिटलाइजेशन, तो यहाँ पे होनी चाहिए इक्वलाइजेशन लेवी, यहाँ पे होना चाहिए बेस रीजन प्रॉफिट शिफ्टिंग आर्टिकल 1, मीन्स ये आर्टिकल 1 भी यहीं पे होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे होना चाहिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक परजेंस वगैरह जो हमारे सेक्शन 9 में ऐड हुआ है। तो मेरे हिसाब से इक्वलाइजेशन लेवी जो है आपके सिलेबस से हटानी है, या आपके प्रोविजंस टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस ऑन द डिजिटलाइजेशन, ये वहां पे मूव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वलाइजेशन लेवी भी इंस्टीट्यूट ने कवर कर लिया, तो जो अगर आप अच्छे सोच रहे हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी हट गया, ऐसा नहीं है साहब, वो भी कवर्ड। अच्छा, तो एक लास्ट यहाँ पे पॉइंट रहता है, वो पॉइंट रहता है कि सर जी यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन यहाँ पे क्या आने वाला है, ये तो कंटेंट देखने के बाद पता चलेगा, बट हाँ इंटरनेशनल टैक्सेशन की फील्ड में डियर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि हमने आपको मतलब दिखाया था यहाँ पे कि OECD एक्शन प्लान 1 के पिलर 2 के रूल्स आ गए, तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसी तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग की फील्ड में भी बहुत नई नई चीजें आ रही हैं। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स, बेस इरोजन को कैसे रोका जाए, प्रॉफिट शिफ्टिंग को कैसे रोका जाए, इन चीजों के लिए भी बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीए फाइनल 2023 प्रपोज सिलेबस। तो आप खुद इस पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या कम हो गया या साहब ये सिलेबस आपका बढ़ गया। मेरे हिसाब से तो आपका सिलेबस बढ़ गया। इसमें आपको कम से कम अगर मैं देखूं तो अभी आपका जो सिलेबस कंटेंट है इसमें 150 से 200 पन्ने आपके और जुड़ गए, मतलब 150 to 200 पेजेस। अगर मैं इंस्टीट्यूट के पेज के फॉर्मेशन की बात करूं साहब, वो और ऐड हो गया, तो उसको और जोड़ लें। तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही नोट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपके 2017 के सिलेबस में वही नोट लिखा हुआ, और वो नोट ये कहता है कि अगर कोई नया एक्ट वगैरह आ गया तो उस नए एक्ट को हम यहाँ पे लगा देंगे, और जो अमेंडमेंट्स वगैरह आती हैं वो इंस्टीट्यूट अपने गाइडेंस नोट के हिसाब से आपको दे देगा। तो मेरे हिसाब से तो डियर आपका सिलेबस बिल्कुल कम नहीं हुआ, और दिस वॉज योर सीए फाइनल 2023 प्रपोज्ड सिलेबस। ओके।